हेलो एवरीवन, नीडोंगहाओ का फीला दिखाया जाता है एंड नीडोंगहाओ होंग्यू को बोल रहा था कि आप यहाँ पर रहोगी तो हम आपकी सेफ्टी की गारंटी लेते हैं, तो क्या आप यहाँ रहने के लिए तैयार हो? होंग्यू बोलती है, ऑफ कोर्स मैं रेडी हूँ। तभी वहाँ पर नीडोंग का बॉडीगार्ड आकर बोलता है, बॉस मिस जिंग आई है और वो बता रही है कि उनको आपसे कुछ काम है। नीडोंग पहले तो गुस्से में बोलता है, मैं उसके साथ कोई बात नहीं करना चाहता, बता दो उसे। तो उसका बॉडीगार्ड बोलता है, ओ। फिर उसे रियलाइज होता है तो वो बोलता है, वेट, क्या कहा तुमने, कौन आया है? तो बॉडीगार्ड बोलता है, मिस जिंग। एंड नीडोंगहाओ ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है। तो ये देख कर होंग्यू सोचती है, ये एक्सप्रेशन, ओ माय गॉड, मुझे तो लगता है यहाँ पर ज्यादा टाइम तक रहना मेरे लिए सेफ नहीं रहेगा। नीडोंग ये बोलकर वहां से चला जाता है कि मैडम जिंग आप यहीं पर रहो। फिर वो जिंग के साथ बैठा होता है और उसे बोलता है, तुम यहाँ पर क्यों आई हो? मुचेन ने तुम्हें यहाँ मुझे ढूंढने के लिए भेजा है। जिंग बोलती है, आई थिंक तुम्हें क्लियरली पता है कि मैं यहाँ पर क्यों आई हूँ। नीडोंग बोलता है, वो सब छोड़ो, पहले तो तुम ये चाय पियो, ये टी सिटी की सबसे फेमस चाय है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं तुम्हें यहाँ पर इनवाइट कर पाऊंगा। जिंग बोलती है, मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ गॉसिप करने नहीं आई हूँ। तो नीडोंग जिंग के पास आकर बोलता है, मुझे पता है कि मिस्टर जिंग की मौत हो चुकी है और इस बात से तुम बहुत दुखी होंगी, लेकिन तुम्हें आगे बढ़ना होगा। और बात रही तुम्हारी कंपनी की, तो मैं हूँ, तुम उसकी फिक्र मत करो, तुम बस अपने डैड के अंतिम संस्कार की तैयारियां करो। सिंह बोलती है, लिंग होंग्यो कहाँ पर है? तो नीडोंग बोलता है, तुम्हारे आदमियों को बाहर भेजो, तुम अभी मेरे एरिया में हो, अगर मैं तुम्हारे साथ कुछ भी करना चाहूँ तो दो लोग तुम्हें बचा नहीं पाएंगे। तो जिंग के आदमी वहां से बाहर चले जाते हैं। उसके बाद जिंग बोलती है, ओके अब तुम बताओ कि लिंग होंग्यू कहाँ पर है। नीडोंग बोलता है, मुझे तो पता ही है कि वो कहाँ पर है और मैं तुम्हें बता भी सकता हूँ, लेकिन उसके बदले में तुम्हें इस दवाई को पीना पड़ेगा। जिंग बोलती है, उसने क्राइम किया है और तुम उसे अपने घर में रखोगे तो तुम्हें पता ही है कि पुलिस तुम्हारे साथ क्या कर सकती है। नीडोंग बोलता है, तुम डरो मत, ये कोई जहर नहीं है, इसे पीने से बस तुम्हारी मेमोरी में से एक पार्ट मिट जाएगा। तुम्हें देरी से मिलने के कारण मुझे तुम्हें पाने का एक मौका भी नहीं मिला। अगर तुम मुझे पहले ही मिली होती तो क्या तुम मुझसे प्यार कर पाती? जिंग बोलती है, तुम और होंग्यू दोनों एक जैसे ही हो। तो नीडोंग बोलता है, ये तुम क्या कह रही हो? जिंग बोलती है, हमेशा चीज़ों को हड़पने में ही यकीन करते हो कि कैसे वो चीज़ दूसरों से छीन ली जाए, जो आपको चाहिए उसके लिए कुछ भी करना, और फिर भी तुम उसे हासिल ना कर पाओ तो उसे पूरी तरह से ख़त्म कर देना, ना कि वो चीज़ किसी और को देना। तुम्हारी आंटी कह रही थी कि तुम मुझसे प्यार करते हो, कितनी अजीब बात है। तुम्हारा प्यार तो ऐसा है कि जिस पर मुझे दिन पर दिन तुमसे नफरत करने के लिए मजबूर करता है, लेकिन तुम्हारे लिए मेरी फीलिंग्स तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं तो तुम्हारे लिए एक चीज़ हूँ जिसे तुम सिर्फ पाना चाहते हो, और तुम्हारे साथ रहकर मुझे रिस्पेक्ट नहीं मिल सकती, ऐसा तो मैं कभी सोच भी नहीं सकती। नीडोंग बोलता है, नहीं। जिंग बोलती है, तुम्हारे पास ऐसा कोई ड्रग्स होगा भी ना, फिर भी मैं कभी तुमसे प्यार नहीं करूंगी, ये सब टाइम की वजह से नहीं बल्कि तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम ऐसे इंसान हो जिसे मैं सबसे ज़्यादा नफरत करती हूँ। और बात रही होंग्यू की, तो जितनी चाहो उतनी उसकी मदद करो, मेरे पास उसे बाहर लाने के और भी कई तरीके हैं, मैं बस ये सोचती हूँ कि सब कुछ अच्छा हो जाता अगर तुम बीच में अपनी टांग ना अड़ाते। शायद मैं ही गलत थी जो सोचती थी कि तुम एक अच्छे इंसान हो,
मिस्टर नी गुड बाय। और इसी के साथ ये चैप्टर होता है यही पर ही खत्म। सो दैट्स इट फॉर टुडे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा।